हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो एग्जाम अभी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है, तो उस बिहार स्टेट में जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को पिछले वाला क्वेश्चन को हम देख करके उसी आधार पर इस क्वेश्चन को हम ले करके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1906, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1903 और ऑप्शन सी 15 अगस्त 1904, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1905। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई थी। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो किस राज्य ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था मुक्त व्यापार के लिए? ऑप्शन में हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो पूछ रहा है कि सुनहरा फरमान जारी किया था अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए, वह कौन सा राज्य है? तो जो सुनहरा फरमान जारी किया था वह गोलकुंडा है, गोलकुंडा राज है जिसने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था मुक्त व्यापार के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 1932 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए शुल्क 500 रुपया पैगोड़ा प्रतिवर्ष देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम और सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। एक गुप्त वंश के शासक हैं सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने गुप्त शासक वह था जिसने सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था गुप्त वंश का जिसने सिक्के जारी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, आंसर सी ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सर चार्ल्स मेटकॉफ, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेटकॉफ जिसने भारतीयों पर समाचार पत्र पर जो भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उससे मुक्त कर दिया था, इसीलिए इसको सर चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे और उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुआ था उन्होंने क्षुब्ध होकर के अपनी उपाधि जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको वापस कर दिया था। तो यह कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के उन्होंने
नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड या एक कुर हत्याकांड था जिसपे निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया गया था और करीब हजारों लोगों को गोली से भून दिया गया था। तो इसी से जालियांवाला हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, जो 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड जेम्स फोर्ड को पत्र लिखा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलबाई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयाडो किस पर स्थित है? समरकंद पर, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी उलान बटोर, ऑप्शन डी अलमा अल्टा। तो कुलबाई खान द्वारा जो स्थापित, कुलबाई खान जिसने स्थापित किया था दयाडी शहर, तो ये किस पर स्थित है? दयाडो किस पर स्थित है? बीजिंग, उलान बटोर कौन सा शहर पे है? तो यह जो है शहर बीजिंग है, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सांसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अंग्रेजी सांसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1852, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1860। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1856, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा 1858 में अंग्रेजी सांसद में भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया था 1858 में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस और सभी 6 to 12 क्लास के एनसीईआरटी नोट्स को भी पढ़ाया गया है, क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ाया गया है, कम्पटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से भी संबंधित सभी बहुत सारे क्वेश्चन को भी हमने अपलोड किया है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालों में किस में से चकमक उपकरण का उपयोग होता था? तो प्रारंभिक पुरापाषाण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण युग, ऑप्शन सी उत्तर पुरापाषाण युग और ऑप्शन डी मध्य पुरापाषाण युग। तो चकमक पत्थर का जो उपयोग होता है हुआ था, यह चकमक पत्थर का उपयोग उत्तर पुरापाषाण युग में हुआ था, उत्तर पुरापाषाण युग में चकमक पत्थर का उपयोग हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पुरापाषाण काल, जिसमें चकमक पत्थर का औजार बनाया जाता था उसी समय इसका उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वह है? तो 11 में से जो 2 प्रांत थे जिसमें गैर कांग्रेसी मंत्री थे, सभी में कांग्रेस जीती थी 1935 के चुनाव में सभी प्रांतों में, 2 ऐसी कौन सी प्रांत थी जिसमें गैर कांग्रेसी मंत्री थे? बंगाल और पंजाब ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है असम और केरल, ऑप्शन सी बंगाल और असम, ऑप्शन डी पंजाब और केरल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल और असम, बंगाल और असम केवल 2 प्रांत था जिसमें गैर कांग्रेसी मंत्री थे, यहाँ पर गैर कांग्रेस की सरकार बना था, इसमें जीत हुई थी, तो हो जाएगा बंगाल और असम राइट आंसर, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा बंगाल और पंजाब, बंगाल और पंजाब हो जाएगा, बंगाल और असम नहीं, बंगाल और पंजाब जहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्री थे 1935 के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इसमें से कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब के नाम से जो ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, उद्यम सिंह, लाला लाजपत राय। तो शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से
भी जाना जाता है लाला लाजपत राय को, और इनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में, लाठी अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिसके चलते पुलिस के लाठीचार्ज से इनकी घायल हो जाते हैं बुरी तरह से और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय को ही शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक सह संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। पूछ रहा है क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कथन पूछ रहा है, सही है ये नहीं पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना बनी रहती है, क्वेश्चन इस यहाँ पर समझने की जरूरत है। सही नहीं है, सही है का नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने आनंद डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ये आंसर जो है सही नहीं है। तो ये उपरोक्त कथन से चौथा कथन गलत है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिम जिसमें, वह कौन सा अधिवेशन था कि जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग मतदान के लिए बात कही गई थी? तो यह कराची अधिवेशन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में बॉम्बे अधिवेशन जो 1950 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 और कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो यह जो मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की बात कही गई थी, इसमें लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में, और यही लखनऊ अधिवेशन में तीनों दल एक साथ आ गए थे, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। जो बीच में तनाव था, जो आपस में बट गए थे सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, तो यहाँ पर जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था तो तीनों एक मंच पे आ गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और यहीं पर मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की बात कही गई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल की व्यवस्था की गई थी, और हम और इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो खंड, गरम दल और नरम दल, जो सूरत अधिवेशन में बट गया था, एक मंच पर आ गया था। और जो ये 1916 का जो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष बने थे अंबिका प्रसाद मजुमदार, इसमें अध्यक्ष चुने गए थे इस अधिवेशन में 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें तीनों दल एक साथ आ गए थे, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार, वह कौन सा राजकुमार था जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? तो ऑप्शन ए है चंड प्रदोत, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी उदयन। तो राजकुमार जो अपने पिता की हत्या करके और राजगद्दी पर बैठता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु ने ही अपने पिता की हत्या करके, और यह हरेक वंश का राजा है, हरेक वंश का शासक था, तो अपने पिता की हत्या करके इसने राजगद्दी प्राप्त किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कतार व्यवस्था को उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो समुद्री व्यापार के संदर्भ में कतार व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो ये कतार व्यवस्था जो था, समुद्र से रिलेटेड व्यवस्था था, समुद्र में व्यापार से रिलेटेड कतार व्यवस्था था, और यह पुर्तगालियों के लिए उपयोग किया जाता था, पुर्तगालियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कतार व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस है,
और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेशी बाटनामा व्यवस्था की शुरुआत की थी, और यही भी समुद्र से समुद्री व्यापार से संबंधित है अंग्रेजों के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? 1916 में जो अधिवेशन हुआ था किसके लिए विख्यात था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन सी है पहली बार तिरंगा लहराया गया, और ऑप्शन डी है पहली बार, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1896 में जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था 1896 में। और 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सलवाई की संधि ऑप्शन ए में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई संधि के युद्ध से संबंधित था। इसमें संधि हुई थी सलवाई की संधि, प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध के बाद सलवाई की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 में सलवाई की संधि हुई थी। इस सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर की गई थी और इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और इस संधि के द्वारा अंग्रेज ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। तो स्वतंत्र भारत के ऑप्शन में ए में दिया हुआ है राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वे थे सी राजगोपालाचारी। तो गोपालाचारी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, गोपालाचारी इनका पूरा नाम है सी राज गोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय नहीं, भारतीय अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, और अगर पूछेगा पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन ए में है 1904, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1915। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगा खां के द्वारा 1906 में। निम्नलिखित किस स्थानों में से 1857 में सेवन के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम बताइए, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद सभी यूपी का ही सिटी है। तो सबसे पहले 1857 में जो विद्रोह का प्रकोप का सही क्रम है वह है ऑप्शन बी 213, यानी पहले लखनऊ में भड़का था, उसके बाद लखनऊ के बाद कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए है कोची, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती जो स्थापित की गई थी इसका यह स्थान है कोची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची में पहली यूरोपीय बस्ती को स्थापित की गई थी कोची में।
यह कोरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है और यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। तो ऐसे भी पहले जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो केरल में ही आया था, केरल तट पे कोझिकोड में आया था। वहाँ का तत्कालीन जो राजा था उसका स्वागत किया था। और इस प्रकार से केरल में ही कोची में पुर्तगाल का पहली बस्ती की स्थापना की गई थी, पुर्तगाली पहली बस्ती। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।